So, जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चली रही है, तो आज एक उवसग्रम स्तोत्र के ऊपर हम थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ये इतना पावरफुल स्तोत्र है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में इसे चैन करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर ध्यान करते हैं, और काफी लोगों ने इसके अनुभव भी जीवन में प्राप्त किए होंगे। सो क्या हम ये उवसग्रम स्तोत्र का अर्थ जानते हैं? ये उवसग्रम स्तोत्र आया कैसे, क्या हमें ये मालूम है? तो आज थोड़ी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उवसग्रम स्तोत्र यानी कि जैसे हम नौ स्मरण की बात करें, तो हमारे जैन धर्म में नौ ऐसे स्मरण बताए हैं कि जो डेली हमें गिनना चाहिए। तो ये नौ स्मरण में से एक स्मरण है उवसग्रम स्तोत्र। तो ये उवसग्रम स्तोत्र की रचना कैसे हुई थी और कब हुई थी, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। अब ये डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जैन इतिहास में ऐसे बहुत महान आचार्य होके गए जिन्होंने अलग अलग खुद की विद्याओं से शासन की प्रभावना की, यानी जैन धर्म की प्रभावना की। तो वैसे ही एक आचार्य भद्रबाहु स्वामी हो गए, जो कि कह सकते हैं एक मत के अनुसार महावीर स्वामी की छठी पाठ के ऊपर हुए, और जो स्थूली भद्र सुरेश्वर जी आप सब जानते होंगे उनके विद्या गुरु थे। ये भद्रबाहु स्वामी ने इस उवसग्रम स्तोत्र की रचना की। अब ये उवसग्रम स्तोत्र की रचना करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके पीछे भी एक कहानी है कि भद्रबाहु सूरि आचार्य जो थे उनके भाई थे जिनका नाम था वराहमिहिर। अब ये दोनों भाइयों ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद गहरा अध्ययन किया और बहुत ही गीतार्थ बन गए। पर जब उनके गुरु के सामने आचार्य बनाना किसे ये प्रश्न आया, तब उनके गुरु ने आचार्य भद्रबाहु स्वामी को बनाया। अब जो वराहमिहिर थे वो मन से ऐसा चाह रहे थे कि आचार्य के लिए तो मैं ही अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हूं, मुझे ही गुरु आचार्य बनाएंगे। पर कहीं ऐसा न होने के कारण उनकी भावनाएं हर्ट हो गई, और इसके कारण उन्होंने दीक्षा का त्याग करके वापस संसार में चले गए। अब संसार में चले गए तो उनको जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो वो एक राजा के यहाँ राज पुरोहित बने, यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह जानते हैं और राजा को समय समय पे ज्योतिष बताना, मुहूर्त बनाना बताना, वैसे काम के लिए वो राजा के यहाँ काम पे लगे। अब देखिए ये वराहमिहिर जो थे उन्होंने इतने सारे जैन ग्रंथ पढ़े थे, इसके अंदर निमित्त शास्त्र के ग्रंथ भी पढ़े थे जिनके अंदर पूरा ज्योतिष शास्त्र, अष्टांग योग वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब वराहमिहिर तो खुद का जीवन निर्वाह करने लगे, पर उनको कहीं ना कहीं मन में थोड़ी गहरी चोट लगी थी, और थोड़ा ईर्ष्या भाव भद्रबाहु स्वामी के लिए और थोड़ा द्वेष भाव जैन समाज के लिए हो गया था। अब देखिए हुआ ऐसा कि जिस राजा के घर पे, जिस राजा के राज दरबार में वो राज पुरोहित का काम करते थे, उस राजा के घर में एक बालक का जन्म हुआ। अब जब बालक का जन्म हुआ तो वराहमिहिर जी ने उसकी कुंडली बनाई और कुंडली बना के प्रेडिक्ट किया कि इस बालक का आयुष्य 100 साल का होगा। अब देखिए राजा के घर पे बालक का जन्म हो तो कौन बधाई देने नहीं आएगा, ढेर सारे संत राजा के दरबार में राजा को बधाई देने आए। पर उस समय उसी नगरी में भद्रबाहु स्वामी आए हुए थे, पर वो जैन साधु थे और ये उनका आचार नहीं है। सो वो इस खुशी पे, राजा की इस खुशी के अंदर वो बधाई देने नहीं आए। अब ये मौके के ऊपर चौका मारा वराहमिहिर जी ने, और उन्होंने राजा को कहा कि राजा ये जैनों के आचार्य वो बहुत अभिमानी होते हैं, देखो आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और वो आए ही नहीं। यानी कि राजा के मन में कहीं ना कहीं उनके लिए वैर भाव पैदा करने का वो काम कर रहे थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं द्वेष था उनसे। अब हुआ ऐसा कि राजा के कान पे ये बात पड़ी, तो राजा भी सोचने लगे कि एक्चुअली वो नहीं आए। अब राजा जैन मुनि के आचार यानी जन्म मुनि के व्यवहार क्या होते हैं, शायद उसको सूक्ष्म रीत से वो जानते नहीं थे। अब जब ये बात राजा के मंत्रियों को मालूम पड़ी, तो कुछ मंत्री जैन होने के कारण वो भद्रबाहु स्वामी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि राजा के मन में इस प्रकार आपके लिए वैर भाव पनप रहा है। अब भद्रबाहु स्वामी तो खुद ज्योतिष के इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने उस मंत्री को कहा कि आप राजा को जाके कहना कि जिस बालक का आयुष्य सिर्फ 7 दिन का हो, और वो भी बिल्ली के निमित्त से जिसकी मृत्यु होने वाली हो, मैं वहां क्या बधाई देने आऊं। अब जैसा ही ये मंत्री ने ये सुना, उन्होंने जाके ये बात राजा को कही। अब राजा सोच रहे हैं
कि ये बाजू हमारे राजपुरोहित वरामिहिर जी है और एक बाजू जैनों के आचार्य भद्रबाहु जी है। अब हमारे वरामिहिर जी ने तो 100 साल का आयुष्य प्रेडिक्ट किया है और ये तो कह रहे कि 7 ही दिन का है, तो एक बार राजा तो चिंता में आ गए। राजा सोचने लगे कि अगर बिल्ली के निमित्त से इनका मृत्यु लिखी है तो सबसे पहले तो ये नगर में से जितनी भी बिल्ली है उसको बाहर निकलवा देना चाहिए। राजा ने पूरे राज्य में आज्ञा कर दी कि किसी को भी बिल्ली रखना अलाउड नहीं है, यानी जितनी भी बिल्ली है सभी राज्य के बाहर जानी चाहिए। अब इसके कारण हुआ ऐसा कि समग्र राज्य में से सभी बिल्लियां बाहर खदेड़ दी गई। अब यहाँ हुआ ऐसा कि जब 7वां दिन आया तो राजा ने जो राजपुत्र था उसको धाव माता के साथ बेसमेंट में भेज दिया कि जहां कोई भी कारण से कोई बिल्ली आ ना जाए और अटैक ना करे और कुछ अघटित ना हो। अब जब वो बेसमेंट में गए थे तो वहां धाव माता यानी कि रानी के साथ जो दासिया वगैरह बालक का पालन पोषण करती है, हेल्प करती है, वो बच्चे को लेके बेसमेंट की जो लास्ट स्टेप थी उसके ऊपर बैठी थी। अब बैठी थी तभी अचानक ऐसी घटना घटित हुई कि उसके ऊपर जो डोर फ्रेम होती है यानी कि रॉक का पोर्शन, वो जोर से गिरा और बालक के मस्तक के ऊपर। अब जैसे ही बालक के मस्तक के ऊपर गिरा, बालक की तत्काल मृत्यु हो जाती है। अब पूरा राज परिवार शोक में है, राजा भी शोक में है, पर राजा सोच रहा है कि आचार्य ने कहा था कि इनकी मृत्यु बिल्ली के निमित्त से होगी। और तभी वो सोचने लगे कि ऐसा तो नहीं हुआ। उन्होंने भद्रबाहु स्वामी को संदेश भिजवाया, उन्होंने कहा कि जो पत्थर बालक के मस्तक के ऊपर गिरा है उसे मंगाया जाए। और जब उसको मंगाया गया तो उसके ऊपर बिल्ली का कार्विंग था, यानी कि बिल्ली की कोतरनी थी और उसकी मृत्यु बिल्ली के निमित्त से हुई। अब यहाँ हुआ ऐसा कि जब भद्रबाहु स्वामी का भविष्य सही निकला और वरामिहिर ने जो भविष्य बताया था वो गलत निकला तो उनको बहुत ही अपमानजनक लगा और उसके कारण वरामिहिर वहां से राज्य से निकल के एक तापस बन जाते हैं। तापस बने, उनकी मृत्यु हुई और वो देव बनते हैं। अब जब वो देव बने तो उन्होंने खुद का पूर्व बहु देखा और उनके पूर्व बहु में उन्होंने देखा कि किस तरह भद्रबाहु स्वामी ने मेरा अपमान करवाया था। तो उनको भद्रबाहु स्वामी के साथ साथ पूरे जैन समाज के ऊपर द्वेष आ गया और उन्होंने मरकी पूरे जैन समाज के अंदर फैलाई। अब मरकी आने जैसे एपिडेमिक हम देख ही रहे अभी फिलहाल, तो ऐसा वायरस फैला दिया कि सब लोग की अकाल मृत्यु होने लगी। अब जब सबकी अकाल मृत्यु होने लगी तो पूरा जैन समाज इकट्ठा होके भद्रबाहु स्वामी के पास आया और भद्रबाहु स्वामी जी से कहा कि आप ये विघ्न को कैसे भी दूर करिए। और तब भद्रबाहु स्वामी जो कि अंतिम 14 पूर्वधर थे, 14 पूर्वधर यानी इतना विशाल ज्ञान कि जिसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि पहले पूर्व का वॉल्यूम कितना होता है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे मोबाइल में इतना डेटा, मेरे कंप्यूटर में इतना डेटा, तो उसी प्रकार हम वॉल्यूम की बात करें तो पहला पूर्व कितना, तो महाविदे क्षेत्र का एक हाथी उसके वजन की स्याही से जितना लिखने में आए वो पहला पूर्व। दूसरा पूर्व 2 हाथी प्रमाण स्याही, तीसरा पूर्व 4 हाथी प्रमाण शाही, चौथा पूर्व 8 हाथी प्रमाण शाही, ऐसे करते करते करीबन 16,563 जितने हाथी प्रमाण शाही से जितना लिखने में आए उतना 14 पूर्व का ज्ञान होता है। अब वो अंतिम 14 पूर्वधर थे। अब हुआ ऐसा कि जब वो भद्रबाहु स्वामी के पास आए तो भद्रबाहु स्वामी ने खुद की विद्या से इस उवसग्रम स्तोत्र की रचना की। अब ये स्तोत्र इतना इतना प्रभावशाली था कि जो व्यक्ति इस स्तोत्र का स्मरण करता था उन्हें ये मरकी से मुक्ति मिलती थी, क्योंकि ये स्तोत्र के स्मरण करने से देवों का साक्षात देव हाजिर हो जाते थे और उनका ये मरकी का रोग हर लेते थे। अब देखिए ये उवसग्रम की कुछ अर्थ हम करेंगे आज और उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा। हम लोग चालू करते हैं। देखो ये उवसग्रम में है ना 5 गाथा है, तो ये 5 गाथा में सबसे पहली गाथा की हम शुरुआत करते हैं। तो हम कहते हैं उवसग्गहरम पासम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उवसग्गहरम? उवसग्ग याने उपसर्ग, उपसर्ग याने जीवन में आए हुए विघ्न, और हरम याने जो विघ्न का हरण करे, यानी कि उवसग्गहरम पासम याने उपसर्ग का हरण करने वाले पासम। पासम का मतलब ये होता है, देखो एक तो पार्श्वनाथ भगवान को भी पास
पासम कहा जाता है और दूसरा पार्श्वनाथ भगवान के जो अधिष्ठायक देव है जिसका नाम है पार्श्वयक्ष, सॉरी सॉरी सॉरी, जिनका नाम है पार्श्वयक्ष। आपने शायद एक देव देखे होंगे जिनका फेस गणपति जैसा होता है, यानी कि गणपति जैसा इनका फेस होता है, तो वो पार्श्वयक्ष है। तो यहां पहले पद के अंदर कहा गया है उपसर्ग को हरने वाले पार्श्व नाम के यक्ष है जिसके, ऐसे पासम वंदामि, यानी कि ऐसे पार्श्वनाथ को मेरे वंदन। अब यहाँ सेकेंड लाइन में बात की गई है कि वो पार्श्वनाथ कैसे है, तो वो पार्श्वनाथ कैसे है, कम्म गण मुक्कम, यानी कि जो कर्म के समूह से मुक्त है। पार्श्वनाथ कैसे है, तो कर्म के समूह से मुक्त है। तो हम सबसे पहला समझेंगे उवसग्गहरम पासम में जो पहला पासम है वो पार्श्व नाम के यक्ष के लिए है, और जो दूसरा पासम है वो दूसरा पासम, एक ही मैडम आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, परफेक्ट है नील भाई, परफेक्ट है, आपको उवसग्गहरम की स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ एकदम परफेक्ट है। ओके ठीक है ठीक है। सो जो पहला पासम है वो पार्श्व नाम के यक्ष है और दूसरा पासम है वो पार्श्वनाथ भगवान के लिए है। तो इतना क्लियर हो गया, उपसर्ग को हरण करने वाले पार्श्व नाम के यक्ष है जिसके, ऐसे पार्श्वनाथ को मेरे वंदन। अब ये पार्श्वनाथ कैसे हैं, तो कम्म घण मुक्कम, यानी कि जो कर्म के समूह से मुक्त है, जो कर्म के समूह से मुक्त है। और फिर आगे कहा मंगल विषहर विष निन्नासम, यानी कि जो विषधर होते हैं उसके विष का नाश करने वाले। विषधर यानी क्या, सो बेसिकली विषधर यानी जो विष को धारण करते हैं, ऐसे सांप है, बिंची है, तो ऐसे जो विष को धारण करते हैं उनके विष का नाश करने वाले मंगल कल्याण आवासम, मंगल और कल्याण को जीवन में देने वाले। अब देखिए मंगल और कल्याण का मतलब क्या होता है, हम मंगल शब्द का प्रयोग करते हैं कि आपका मंगल हो, मंगल का मतलब होता है जीवन में से सभी विघ्नों का नाश हो, जीवन में से सभी विघ्नों का नाश हो। और जब हम कल्याण की बात करते हैं तो कल्याण का मतलब होता है जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि पुत्र पत्नी वगैरह की प्राप्ति हो। तो यहाँ ये बताया गया है कि पार्श्वनाथ कैसे है, तो मंगल और कल्याण को देने वाले हैं। सो हमने इस प्रकार पहली गाथा देखी। अब देखिए बहुत सिंपल है दूसरी गाथा, विषहर फूलिंग मंत्रम, मंत्रम यानी मंत्र, तो यहाँ एक मंत्र की बात करने में आती है कि विषहर फूलिंग नाम का एक मंत्र है, विषहर फूलिंग नाम का एक मंत्र है, जो कि यहाँ मंत्र पूरा मेंशन नहीं किया गया, पर अगर आप थोड़ा सर्च करोगे या मैं आपको दे सकता हूं कि 18 अक्षर वाला एक मंत्र है जिसके अंदर विषहर फूलिंग नाम के शब्द आते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि विषहर फूलिंग मंत्रम कंठे धारे जो सया मणु, यानी कि जो मनुष्य उसे सदा कंठ में धारण करता है, कंठे धारे जो सया मणु, यानी कि जो मनुष्य उसे सदा कंठ में धारण करता है, तस्स ग्रह रोग मारी, तस्स यानी उसके, ग्रह ग्रह यानी ग्रह की पीड़ा, रोग यानी हमारे डिसीज, और मारी यानी जो एपिडेमिक होता है, तस्स ग्रह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उवसाम, यानी कि दुष्ट ऐसा ज्वर भी शांत हो जाता है। तो दुष्ट ज्वर यानी क्या, ज्वर यानी फीवर, और दुष्ट ज्वर यानी कितना भी हाई फीवर हो तो वो भी शांत हो जाता है। तो इस प्रकार दूसरी गाथा में बताया गया कि विषहर फूलिंग नाम का जिसका मंत्र है, जो मनुष्य उसे हमेशा कंठ में धारण करता है, उसे ग्रह की पीड़ा कोई भी रोग और मारी हुई हो या दुष्ट ऐसा ज्वर हुआ हो, दुष्ट जरा यानी कि फीवर आया हो, तो वो भी शांत हो जाता है, दुष्ट जरा जंती उवशामम यानी कि शांत हो जाता है। अब देखिए तीसरी गाथा भी बहुत अमेजिंग है, तीसरी गाथा में कहा है चिट्ठौ दूरे मंतो, यानी कि अगर कोई ये मंत्र से दूर है, अगर कोई ये मंत्र से दूर है, तुज्य प्रणामो, पर अगर तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुज्य प्रणामो, उसका भी विबहु फलो होई, उसका भी बहुत फल होता है।
चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्य पणामो वी बहु फलो होई। अब आगे कहा नर तीरी एसु वी जीवा। तो यहां देखिए अलग अलग जीवों का नाम मेंशन किया है, नर यानी मनुष्य, तीरी एसु यानी तीरियंज यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स किंगडम, वी जीवा यानी विगैरे जीव। जब विगैरे जीव कहे यानी सभी जीवों का समावेश हो गया। नर तीरी एसु वी जीवा पावंती यानी कि प्राप्त करते हैं, न दुख दो गच्छन यानी वो कभी भी जीवन में दुख और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं करते हैं। आप देखिए बहुत अच्छा इसका मीनिंग है, मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूं मुझे मालूम है, पर आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। हम तीसरी गाथा में चिट्ठौ दूरे मंतो, यानी कि अगर किसी को ये मंत्र नहीं आता, कोई ये मंत्र को चैंट नहीं कर रहा है, फिर भी तुज्य प्रणामो आपको किया गया प्रणाम वी बहु फलो होई, उसका बहुत ज्यादा फल है। तो उसका फल क्या है, नर तीरी एसु वी जीवा, नर यानी मनुष्य, तीरी एसु यानी तीरियंज, और वी जीवा कहा यानी एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा में इत्यादि में सभी जीवों का समावेश हो गया, वो कभी भी जीवन में दुख और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं करते। दुख तो हम जानते ही है, दुर्भाग्य यानी जिसे इल फेट कहा जाता है, बैड लक कहा जाता है, तो उसे कभी भी दुख और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। देखो अब अमेजिंग चीज तो अभी है, ठीक है, अब तक तो हम संसारिक दृष्टि से भी देख रहे थे कहीं ना कहीं, पर ये गाथा में कहा तुह सम्मत्ते लद्दे, यानी कि तुम्हारा सम्यक्त्व, सम्यक्त्व यानी राइट अंडरस्टैंडिंग, बोधि राइट परसेप्शन, बोधि बीज। तो यहां कहा गया तुह सम्मत्ते लद्दे यानी तुम्हारा सम्यक्त्व अगर किसी को प्राप्त हो जाए, लद्दे यानी प्राप्त होना, तुह सम्मत्ते लद्दे। अब ये सम्यक्त्व कैसा है, तो चिंतामणि कप्प पायो वब्ब ही है, यानी कि चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी अधिक है, यानी कि कल्प वृक्ष तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, चिंतामणि रत्न भी हमारे मन में जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करता है, पर इससे भी अगर कोई अधिक वैल्यू वाली चीज है तो वो है सम्यक दर्शन। यानी कहा तुह सम्मत्ते लद्दे, अगर तेरा सम्यक्त्व किसी ने प्राप्त किया, वो सम्यक्त्व कैसा है, तो चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी मूल्यवान है। ठीक है, अभी आगे बात की पावंती अविज्ञेण, यानी कि जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो प्राप्त करता है, पावंती यानी प्राप्त करना, और अविज्ञेणम यानी बहुत ही आसानी से, विघ्न रहित, विघ्न यानी डिफिकल्टीज, और अविज्ञेणम यानी बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से, पावंती अविज्ञेणम जीवा अयरा मरम थाणम। कौन सा स्थान, थाणम यानी स्थान, कौन सा स्थान, अयरा अमर यानी अजरा अमरम स्थानम, अजरा अमरम स्थानम यानी जहां बुढ़ापा नहीं है और जहां मृत्यु नहीं है, ऐसी एक ही जगह है कि जहां बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं है, वो है मोक्ष। तो यहाँ लास्ट में बात कर ली कि सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो सम्यक दर्शन, अगर उसकी किसी को प्राप्ति हो गई, ये कैसा है, तो चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से भी मूल्यवान है, और अगर इसकी किसको प्राप्ति हो गई तो वो बहुत ही आसानी से पावंती अविज्ञेणम, विघ्न रहित तरीके से, जीवा अयरा अमरम थाणम यानी कि अयरा अमरम थाणम को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो यानी इनिशियली आपको बताया कि दुख का नाश होना, रोग का नाश होना, पर अल्टीमेटली तो सम्यक दर्शन मिल गया तो परमानेंटली दुख से मुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ सम्यक दर्शन को हाईलाइट किया है। उसके बाद बताया गया इय संतुओ महायस, तो हमेशा याद रखना कि संतुओ मतलब संतुआ, संतुओ, संतुअम, ये वर्ड आएगा, जैसे लोगस में भी शायद आता है एवं अभित हुआ था, अभित हुआ, तो संतुओ संतुआ आएगा, उसका मतलब है स्तुति, भगवान की स्तुति करना। तो यहाँ कहा गया इय संतुओ महायस, इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किए गए महायश को धारण करने वाले, महायश यानी पार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं, तो महायश को धारण करने वाले। आप देखिए कि इतने सारे तीर्थंकर हैं, पर सबसे ज्यादा तीर्थ के कौन से भगवान के, सबसे ज्यादा नाम कौन से भगवान के, यानी कि महायश को धारण करने वाले
भक्ति भर निब्बरेण हीण, यानी भक्ति से भरे हुए हृदय से मेरे द्वारा स्तुति किए गए। भक्ति भर निब्बरेण हीण, भक्ति से भरे हुए हृदय से मेरे द्वारा स्तुति किए गए महायश को धारण करने वाले महायश। और फिर लास्ट गाथा में कहा, लास्ट पंक्ति में कहा, तादेव दिज्य बोहिम, यानी कि ऐसे हे प्रभु मुझे बोधि दीजिए, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग दीजिए, मुझे सम्यक दर्शन दीजिए, क्योंकि सब दुखों का नाश सम्यक दर्शन की प्राप्ति से हो सकता है। तो यहाँ कहा तादेव दिज्य बोहिम, यानी हे देव मुझे दिज्य, मुझे दो क्या, तो बोधि, राइट अंडरस्टैंडिंग। भवे भवे पास जिन चंद्र, यानी कि हे पार्श्वनाथ, जो कि जिनों में चंद्र समान है, जितने भी जिन है उसमें चंद्र समान है, मुझे भवो भव, यानी जब तक मुझे जन्म धारण करना पड़े मुझे सम्यक दर्शन दीजिए, मुझे बोधि दीजिए, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग दीजिए। तो इस प्रकार ये पांच गाथा द्वारा पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है और इसके अंदर सम्यक दर्शन को हाईलाइट किया गया है। तो मैं क्विकली आपको इसका रिकैप करवा देता हूं, मुझे एक मिनट दीजिए। हाँ, अब मैं क्विकली इसका रिकैप करवा देता हूं। इस सूत्र की रचना भद्रबाहु स्वामी ने की थी, जो कि कह सकते हैं कि भगवान महावीर की छठी पाठ पे आए थे, और हमारे जो स्तुति भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हैं कि जिनका हम नाम हमेशा याद करते हैं, वो स्तुति भद्र सूरी महाराज साहब के वो विद्या गुरु थे। अब ये अंतिम 14 पूर्वधर थे, और जब जैन समाज के ऊपर मरकी का उपद्रव हुआ तो उसके निवारण के लिए उन्होंने ये उवसग्रम स्तोत्र की रचना की। ये उवसग्रम स्तोत्र आज भी जो मीनिंग जान के बहुत ही मन से इसका चैंटिंग करता है, उसके प्रभाव वो खुद के जीवन में महसूस करता है। जैसे कि हमारे साथ इस वेबिनार में आर्किटेक्चर मयंक बरजाटिया जी भी जुड़े थे, और उन्होंने कहा था कि किस तरह मंत्र के पावर और वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमें बताया था कि पानी के अंदर भी शुभ भावों को पकड़ के रखने की शक्ति होती है। तो किस तरह हम पानी के अंदर उंगली डाल के हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस मंत्रों के द्वारा पानी के अंदर डालते हैं और इस पानी को हम ग्रहण करते हैं, तो आज भी उवसग्रम के प्रभाव लोगों को देखने मिलते हैं। सो इतना अच्छा स्तोत्र है, इसका मीनिंग के साथ अगर हम चैंटिंग करें तो हमें विशेष लाभ हो सकता है। तो हमने पहली गाथा में देखा कि उपसर्ग का हरण करने वाले पार्श्व नाम के जिनके यक्ष है, ऐसे पार्श्वनाथ को मेरे वंदन, उवसग्रम पासम पासम वंदामि। वो पार्श्वनाथ कैसे है, तो कम्म घण मुक्कम विसहर विस नहीं कम्म घण मुक्कम विसहर विस निन्नासम और मंगल कल्याण आवसम। यानी कि वो पार्श्वनाथ कैसे है, तो कर्म से मुक्त है, विष धर के विष का नाश करने वाले हैं, यानी उनके अंदर इतनी ताकत है उनके मंत्र में उनके नाम में कि अगर किसी को जहरीला नाग भी डंख दिया हो या किसी को काटा हो तो उसके जहर को भी उनके नाम के प्रभाव से मंत्र के प्रभाव से उतारा जाता है। तो विषधर विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवसम, ये पार्श्वनाथ कैसे है, तो मंगल और कल्याण को देने वाले हैं, मंगल यानी विघ्नों का नाश करने वाले और कल्याण यानी जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि पत्नी पुत्र की प्राप्ति कराने वाले। अब आगे की गाथा में कहा विसहर फूलिंग मंत्रम, यानी कि विसहर फूलिंग नाम का मंत्र जिनका है, कंठे धारी जो सयामणु, यानी कि जो भी मनुष्य इसको कंठ में सदा धारण करता है, तस गह रोग मारी, उसको ग्रह की पीड़ा रोग और मारी यानी कि एपिडेमिक हुआ हो, और दुष्ट जरा यानी कि दुष्ट ऐसा ज्वर हाई फीवर हुआ हो तो वो भी जंती उवसामम शांत हो जाता है। तीसरी गाथा में कहा चिट्ठौ दूरे मंत्रो, यानी कि अगर ये मंत्र से कोई दूर है पर अगर उनको प्रणाम कर रहा है, यानी किसी को मंत्र नहीं आ रहा है, मंत्र कोई नहीं चैंट कर रहा है, पर फिर भी तुज्ज प्रणामो वि बहु फल हो, यानी कि आपको किया गया प्रणाम भी बहुत फल देने वाला है। उसका फल क्या है, तो नर तीरी येसु वि जीवा ह्यूमंस तीरियंच वगैरह जीव कभी भी जीवन में दुख और दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं करते, पावंती न दुख दो गच्च। चौथी गाथा में कहा ये सब तो जाने दो, तुह सम्मत्ते लद्दे,
यानी अगर आपके द्वारा बताया गया मार्ग सम्यक्त्व अगर किसी को प्राप्त हो जाए वो कैसा है, तो चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष से भी ज्यादा मूल्यवान है। चिंतामणि कप्पपाय वब्बही पावंती अविज्ञेणम जीवा ऐरा मरम थाणम, यानी किसी को अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो वो बहुत ही इजीली पावंती अविज्ञेणम बहुत ही आसानी से विघ्न रहित तरीके से अजरा अमर स्थान को प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करता है जहां ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है। और अंतिम गाथा में कहा यह संतुओ महायस भक्ति भर निबरेण ही, यानी भक्ति से भरे हुए हृदय से इस प्रकार स्तुति किए गए महायश को धारण करने वाले, हे पार्श्वनाथ जो जिनों में चंद्र समान है, मैं आपके पास कुछ चीज मांगता हूं, मुझे कुछ चीज दीजिए, तो क्या तादेव दिज्य बोहिम, यानी मुझे भी वो राइट अंडरस्टैंडिंग दीजिए, मुझे भी वो सम्यक दर्शन दीजिए, तो कब, जब तक मैं भव करता रहूं मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग देते रहिए। ऐसी बहुत ही अद्भुत प्रार्थना इस उवस अग्रम स्तोत्र में की हुई है। सो हमने आज भी टाइम के ऊपर हमारे उवस अग्रम स्तोत्र का अध्ययन किया है, सो हम इसको मेंटेन करते हैं और हम आशा रखते हैं कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। हम ग्रुप में इसका मीनिंग भी शेयर कर देंगे। इसी के साथ हम आज के सेशन का विराम लेते हैं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्ष जाओ, कामे मि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु मे मित्ति मे सर्व भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं सर्वथा सौ सुखी था हो पाप ना कोई आचरो राग द्वेष ती मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो।